बिग बॉस 14 की बात करें तो बहुत ही जल्द आने वाला है और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लोग कब आएगा। आज फाइनली प्रोमो आ चुका है। सो आपने प्रोमो देखा रहेगा तो कैसा लगा बिग बॉस 14 के लिए, कितना एक्साइटेड है आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिग बॉस 14 के लिए। मैंने आज सुबह ही कलर्स के सोशल मीडिया पे उसका प्रोमो देखा और हमने देखा है कि वो फार्मिंग कर रहे हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सीजन में क्या होता है। आज ही सुबह मैंने एक्चुअली सोशल मीडिया के ऊपर ये देखा है बिग बॉस का जो नया सीज़न आ रहा है उसके बारे में जो प्रोमो आया है, और अभी तक के सारे सीज़न मैंने देखे हुए और ये भी सीज़न बहुत ही काफ़ी अच्छा होगा। बिग बॉस 2020 का प्रोमो मैंने देखा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सलमान खान वापस अपने उसी अंदाज में आ चुके हैं, बहुत ही एक्साइटेड लगने वाला है बिग बॉस 2020। अरे मैं तो बहुत एक्साइटेड बॉक्स 14 के लिए, क्योंकि मैं सलमान खान का एक तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सबसे पहले, और 13 मैंने पूरी देखी है, मुझे 14 देखने में बहुत एक्साइटमेंट। अभी जस्ट मतलब कलर्स के चैनल पे देखा, मैंने उस पर सोशल पे देखा कलर्स के कि बिग बॉस का नया 14 का आ रहा है प्रोमो, तो अच्छा है, मीन्स बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि 13 लास्ट जो सीज़न था बहुत अच्छी थी, तो इसके लिए मतलब एक्साइटमेंट और बढ़िया है कि मतलब अभी कैसा रहेगा क्योंकि लास्ट का जो सीज़न था बहुत ही ज़्यादा। बिग बॉस में हर साल एक कोई ना कोई थीम रहता है, इस साल का थीम है जंगल थीम। सो जंगल थीम जो है उसके बारे में क्या कहना चाहिए और जो उसके अकॉर्डिंग जो इंटीरियर्स रहते हैं उसके अंदर के, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हमने पहले भी देखा है कि बिग बॉस के सारे सीजन में इंटीरियर काफी अच्छा होता है और इस बार जंगल थीम है, तो देखना पड़ेगा कि वो लोग क्या क्रिएटिव बनाते हैं इस बार। और ये भी है कि इस बार सलमान भाई अपने पनवेल के फार्म हाउस से होस्ट करने वाले, तो वो भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग। जंगल थीम के बारे में अगर कहो तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, और सुना है कि सलमान खान इस बार फार्म हाउस से होस्ट करने वाले अपने वाले, सो उनका इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा होता है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तब तो हमने किसी भी ऐसे शोज में जंगल थीम को अब तक देखा नहीं है, एंड आई थिंक बहुत सारे एडवेंचरस टास्क भी इससे रिलेटेड रहेंगे। इंटीरियर्स में काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से अच्छा ही कुछ देखने मिलेगा, बिकॉज वाटरफॉल्स हो सकते हैं, आपको स्लाइड करने हो सकता है, स्लाइड्स भी रहेंगे शायद से, और थोड़ा बहुत एक नेचर लुक भी रहेगा ही। भाई जंगल थीम में तो भाई बड़ा मज़ा आएगा, एक तो वो अपने खुद के घर से बिग बॉस 14 का मेरे हिसाब से करने वाले मैंने सुना, और उनके घर का पूरा घर में जितना भी रेनोवेंट का काम किया था उन्होंने वो भी मालूम पड़ेगा, और वो घर पे वहाँ पे पनवेल में खेतीबाड़ी फार्मिंग भी कर रहे हैं, मैंने ऐसे इंस्टाग्राम में देखा था सलमान के बारे में, तो मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ कि वो अपने घर से किस तरह बिग बॉस में एंट्री करते हैं और बताते, बहुत मज़ा आएगा। बिग बॉस की हर एक सीज़न में मतलब कुछ ना कुछ नया रहता है, हमेशा नई थीम के साथ वो लोग बिग बॉस आता है हर बार, तो बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट सीज़न भी अच्छा था, ये बार जंगल का थीम है तो ऑब्वियसली कुछ नया इंटरेस्टिंग देखने मिलेगा, और इवन सलमान खान भी पनवेल से अपने फार्म हाउस से मतलब होस्ट कर रहे, तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है ये बार। ये 14वां सीजन है, इसके पहले 1-13 सीजन में से आपका कौन सा फेवरेट और कौन सा सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग था? मेरे हिसाब से सीजन 13 सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग था क्योंकि वो ऑल इन वन पैक था जिसमें मस्ती थी, ड्रामा था और बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग था, तो मेरा सीजन 13 फेवरेट। सीजन 13 जो है वो बहुत ही काफ़ी एंटरटेनमेंट हुआ है, और उसमें जो आसिफ और सिद्धार्थ का जो काम था वो बहुत ही बढ़िया रहा है, सो सीजन 13 मेरा बहुत ही फेवरेट है। लास्ट ईयर 2019-2020 का सीजन वॉज नाइस, सिद्धार्थ शुक्ला जी के अभी तक जितने सीजन हुए सबसे अच्छे हुए, मगर मुझे सीजन 13 बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें मेरे आसिम, सिद्धार्थ और भी बहुत जन है जिसने बहुत अच्छी मजा है, बहुत अच्छा काम की। अभी बिग बॉस का जो लास्ट सीजन 13 था बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था क्योंकि उनको मतलब ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी, ज़्यादा प्यार भी था, और उन लोगों का मतलब सिद्धार्थ और शहनाज के बीच की केमिस्ट्री और मतलब बहुत सारे कपल्स की केमिस्ट्री भी थी, झगड़े भी थे, तो मतलब एंटरटेनिंग था और अच्छा था। कंटेशन की बात करें तो बहुत सारे नाम आ चुके हैं और बहुत सारे आ रहे हैं अभी भी, बट एज अ व्यूअर आप किसको चाहेंगे या देखना बिग बॉस 14 में या वो एंटरटेनमेंट का तड़का दे पाए? मैं निया शर्मा को चाहूंगा क्योंकि उनमें सारे एलिमेंट्स हैं और वो जोश भी है जो बिग बॉस के लिए चाहिए। ऐसे देखा जाएगा तो विवैन जो है उनको ही देखना चाहेंगे बिकॉज उनका जो स्टारडम है वो काफी सिमिलर है सिद्धार्थ के जैसा, और विवैन जो है उनको ही हम ज्यादा पसंद करेंगे देखना। थोड़ा डाइसी क्वेश्चन है, हम लोग तो इसमें किसी को देखते हैं, मैं साथ सभी सेलिब्रिटीज को पसंद करता हूँ, फाइन कोई भी चलेगा लेकिन अच्छा होना चाहिए कंटेंट इस बार। तो बहुत लिस्ट में बहुत सारे लोगों का नाम है,
मगर मैं रानी चैटर्जी करके एक नाम है जिसने खतरों के खिलाड़ी में भी काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था उसने, वो बिग बॉस में आएगी तो बहुत एंटरटेनमेंट होगा और बहुत मज़ा आएगा। एक तो भोजपुरी एक्ट्रेस है और उसका डांस देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आकांक्षा भी होगी कि उनको देखना इंटरेस्टिंग भी होगा और कहीं ना कहीं सुनना है कि वो मतलब बिग बॉस में आने भी वाली है, तो बहुत एक्साइटमेंट रहेगा, मतलब एक्साइटिंग रहेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे बिग बॉस 14 के लिए? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि बिग बॉस 14 जितने जल्द से जल्द हो सके आ जाए, क्योंकि हम वैसे भी अपने घरों में बैठ के बोर हो रहे हैं, तो वो जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी हमें एंटरटेनमेंट होगा। 14 जल्द से जल्द आ जाए क्योंकि ये जो अभी चल रहा है कोरोना का इश्यूज, सो उसके अंदर एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। So expecting it come to very soon. तो ये मैसेज देखना चाहेंगे एज अ सलमान खान फैन है कि बिग बॉस 14 जल्दी से रिलीज हो जाए और टीवी में आ जाए, भले वो कहीं से भी रिलीज हो, बस रिलीज होकर टीवी में आ जाए, बहुत मज़ा आने वाला है। बिग बॉस 13 को मतलब बॉटम हो गया तो 14 भी अभी जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि नई सीजन है, ऊपर से नए कॉन्सेप्ट है, तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, तो मैं वही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आ जाए।